नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया और मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। खबर गाजियाबाद के मोदी नगर से है, जहां 11 वर्षीय आदित्य बंसल की हत्या का खुलासा पुलिस द्वारा किया गया है। आपको बताते चले कि आदित्य की हत्या में शामिल 6 लोगों में से पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक महिला आरोपी भी शामिल है, तो वहीं एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। आपको बताते चलें कि बीते समय पहले 11 वर्षीय आदित्य की हत्या कर दी गई थी, तब से ही पुलिस मामले की जांच में जुटी थी। जांच में पुलिस को घटना में इस्तेमाल की गई बाइक, आदित्य की चप्पल बरामद हुई हैं। सूत्रों की माने तो हत्या का कारण आपसी रंजिश बताया गया है। हाल ही में बच्चे के परिवार जन से किसी भी बात को लेकर आरोपियों की कुछ कहा सुनी हुई थी, जिसके चलते हत्यारोपियों ने घटना को अंजाम दिया। आरोपियों का नाम है सुधांशु उर्फ जनरल पुत्र वीरेंद्र पाल, निवासी शेरपुर थाना निवाड़ी, उम्र 22 वर्ष। आकाश पुत्र गगन उर्फ सूर्या उर्फ गोलू पुत्र राज बहादुर, निवासी शेरपुर, उम्र 20 वर्ष। सोहबीर पुत्र स्वर्गीय रणबीर सिंह, निवासी 58 स्टोरी गोविंदपुरी मोदीनगर, उम्र 58 वर्ष। कृष्णपाल उर्फ डॉक्टर पुत्र रणबीर सिंह, निवासी सारा रोड विवेकानंद चौक गोविंदपुरी मोदीनगर, उम्र 48 वर्ष। श्रीमती आशा पत्नी कृष्णपाल, निवासी सारा रोड विवेकानंद चौक गोविंदपुरी मोदीनगर है। तो वहीं छठा आरोपी दिनेश पुत्र जसवंत, निवासी शेरपुर, अभी फरार है। ये 27 तारीख की घटना है। 27 तारीख को इस बच्चे का किडनैप हुआ था रात को, और सुबह उसका निवाड़ी में शेरपुर जो गांव पड़ता है उसके खेतों में उसका शव मिला था। तो इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके बाद विवेचना में ये प्रकाश में आया है कि इसका पूरा मास्टरमाइंड, इस पूरे किडनैप और मर्डर का मास्टरमाइंड प्रकाश है, जो कि शेरपुर गाँव का रहने वाला है। उसने शेरपुर गाँव के 2 अपने साथियों के साथ मिलकर इसका किडनैप किया और किडनैप करने के तुरंत बाद उसकी हत्या कर दी। इस बच्चे की बॉडी को वो नहर में डिस्पोज करने वाले थे, लेकिन सड़क पर आवागमन ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने उसको गले के खेत में छिपा दिया। सुबह उस बॉडी को निकाल कर वो फेंकने वाले थे, लेकिन सुबह वो आ नहीं पाए। इससे पहले ही एक किसान ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी कि बॉडी खेत में पड़ी थी। सर, ये मर्डर किस लिए इसका? ये मर्डर रंजिशन हुआ है। ये जो वादी है मोहित बंसल जो कि वकील है, इनका झगड़ा इनके पड़ोसी से हुआ था, मिस्टर केपी, करीब 1.5-2 महीने पहले झगड़ा हुआ था। उस झगड़े में काफ़ी धमकी दी गई है दूसरे पक्ष से, तो दूसरे पक्ष ने ये केपी प्लस उसकी वाइफ प्लस उनके चाचा ने इस लड़के से कहा, जो उनका सगा भतीजा है आकाश, कि इस बच्चे का किडनैप करके इसका मर्डर कर दो। उसके बाद आकाश ने अपने 2 साथियों को लालच दिया पैसे का, कि बच्चा अमीर घर से, कुछ पैसे मिल जाएंगे, इसका किडनैप कर लेते हैं, उसके बाद उसकी हत्या। सर, पुलिस कैसे सोचती है? इसमें पुलिस ने काफ़ी लोगों का इंटरव्यूशन किया है, काफ़ी लोगों का, वादी पक्ष के जो बच्चे जो खेल रहे थे, 5 बच्चे जो खेल रहे थे, उनका काफ़ी डिटेल उनसे क्वेश्चनिंग की है। तो बच्चों ने ही कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जिनसे हम लोग तह तक पहुंच पाए। बच्चों ने जैसे कि संजू सेठ और संजू भाई साहब 2 शब्द ऐसे लिए थे, इनको हमने काफ़ी उसको यूज़ किया शब्दों का, काफ़ी बातचीत की। तो कुछ लोग संजू सेठ और संजू भाई साहब बोले थे, उसके बाद उन पर शक गहराया, फिर उनकी लोकेशन ट्रेस की गई तो पता चला कि सीसीटीवी सामने आया, लेकिन उसमें काफ़ी मतलब क्लियर नहीं, उसमें कुछ भी क्लियर नहीं, किसी का फेस भी नहीं आया, लेकिन उससे ये प्रतीत हो रहा है कि बच्चे को लेकर जा रहे हैं। सर, 15 लाख या 20 लाख के फिरौती का मामला सामने आता है, क्या थोड़ा जानना चाहेंगे? इसमें जो आकाश है, जिसने हत्या की है, जिसने पूरा प्लान रचा है, उसने लालच दिया था अपने साथियों को कि इसको किडनैप कर लेते हैं तो हमें इतना पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसका मकसद इसका मर्डर करना था। गाजियाबाद से मीनाक्षी चौधरी की रिपोर्ट। खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।